बस मेरे दिमाग में एक ही कंसर्न था कि मैं को कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा। मेरा एक ही था कि कोई ना कोई कभी ना कभी पहला स्टेप तो ले, मेरे अगर करियर के अगर कुछ बेटर है तो फिर रिस्क लेना मत। इजी तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोचोगे कि मैं ऑफिस में 10 घंटा रह लूंगा, 8 घंटे की जॉब कर लूंगा, फिर 2 घंटे आईलेट्स करूंगा, पास हो जाऊंगा, तो ये नहीं हो पाएगा। फोर्थ टाइम जब मेरा पोस्टपोन हो गया तो मैंने पढ़ाई पूरी छोड़ दी थी। ये सोच के चलो कि आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। ये सबसे बड़ी हिडन चीज है कि जेईई के बारे कईयों को नॉलेज नहीं होता है। एजुकेशन भी छूट सकता था, उस सिचुएशन में आ चुका था मैं। अगर आपका करियर बनाना है, आपको अपना फ्यूचर सेट करना है, तो फिर कुछ टफ डिसीजन तो लेने पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर सुदेश कॉमेट स्टडी अब्रॉड से, और आज हमारे साथ है निखिल पटेल। निखिल पटेल का एडमिशन हुआ है UCW वैंकूवर में, एंड आज जो हमारे साथ हैं वो अपनी पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अब्रॉड में जो एप्लीकेशंस होते हैं वो सुनने में बहुत आसान लगता है, गए एप्लीकेशन किया गया और एप्लीकेशन के बाद ऑफर आया और वीजा आया, बट प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। प्रोसेस शुरू होता है जब पहला थॉट आता है कि हमें अब्रॉड जाना है, और उसके बाद लेकर ये वीजा और वीजा के बाद डिपार्चर तक। तो हम ये पूरी जर्नी हम निखिल पटेल से आज पूछेंगे कि उनकी क्या एक्सपीरियंस रहा और इससे हम क्या नया सीख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। निखिल, आपका इस वीडियो में स्वागत है। निखिल, सबसे पहले बात बताइएगा कि आपके माइंड में पहला बार कब ऐसा आया कि आपको अब्रॉड जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी कॉलेजेस हैं, इतने ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल, लेकिन हम जब अब्रॉड जाने का सोचते हैं तो व्हाट इज द फैक्टर कि जहां से आपको लगा कि नो आई शुड नाउ गो टू अब्रॉड एंड स्टडी ओवर देयर। सर, पहले मेरा प्लान इंडिया से ही करने का था। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज है, IIM, सिम्बोसिस, सो उसके लिए मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ते हैं। सो ये है 2020 की बात, जब मैं फाइनल ईयर में था मेरे बीकॉम में, और कोविड आ गया जिसके कारण मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम पोस्टपोन हो गया 6 महीने के लिए। ओके, सो मैंने उसको नवंबर में दिया है। सो तब तक मैंने कुछ नहीं किया। देन मुझे ये पता चला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 साल के लिए और होल्ड हो गया है बिकॉज ऑफ द कोविड। सो मेरे पास ये था कि 1.5 साल मैं कुछ तो करूँ। सो मैंने बस पेरेंट्स से डिस्कस किया चीज में कि क्या मैं अब्रॉड जाऊँ, क्या सीन रहेगा। सो मेरे पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट दिया, बोला यू कैन गो, यू गो। सो बस वहीं से मैंने सोचा कि अब तो अब्रॉड जाना है, ये सब प्लान ड्रॉप करो। अच्छा, जब कोविड की बात आती है तो जब इनिशियली जब आया था ये पैंडेमिक आया, और रिसेंटली एक वॉर का सिचुएशन भी चलता है, तो लोग तो ये कहने लगे थे कि अब तो लोग बच्चे डरेंगे या पेरेंट्स डरेंगे अब्रॉड भेजने में, क्योंकि देखे फ्लाइट्स वगैरह सब बंद हो गई थी। तो क्या ये कंसर्न आपके माइंड पर नहीं था कि ये अनसर्टेनिटी एक बन जाएगी लाइफ में कभी भी फ्यूचर में? सर, मैंने ऐसा कभी पहले सोचा नहीं। फिलहाल तो ये अभी अभी आया है, यूक्रेन और रशिया का वॉर का न्यूज़। पैंडेमिक का एक मेरे दिमाग में था कि कहीं उसके कारण मेरा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी रहता है एक तरीके से अब्रॉड में पढ़ना, और उसके कारण कहीं मेरा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बट अब मेरे पास कोई बैकअप प्लान था नहीं, और मेरा मन एकदम हो चुका था कि अब तो अब्रॉड जाना है। बिकॉज मेरे को एक एज अ फाइनेंस सेक्टर में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मैंने पिछले भी जो मैंने पढ़ाई की है, बीकॉम किया है, मैं चाहता बीबीए कर सकता था बट मैंने बीकॉम इसीलिए किया है। देन मैं एमबीए जो करने जा रहा हूँ वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही रहेगा। सो मेरे को ऐसा लगा कि अब्रॉड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी मेरे करियर के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड पर पहले से था कि अब्रॉड एक ऑप्शन हो सकता है आपके आगे, हो सकता है बिल्कुल करियर के लिए। हाँ, तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे अब्रॉड जाना है, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें रही हैं जो आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किया, और जिसके बारे में फिर आपने काफ़ी ज़्यादा फिर उसके बारे में पता किया होगा, ऐसा कौन सी? सर, पहले तो वीज़ा का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। okay. कैसे क्या होता है, बस मेरे दिमाग में एक ही कंसर्न था कि मैं को कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा। okay. क्योंकि मेरा पहले प्लान था USA जाने का, बट जैसे ही मैंने कुछ रिसर्च वगैरह करी गूगल में और क्राइटेरिया वगैरह देखी, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि USA की जो क्राइटेरिया बहुत टफ है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल है, बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है USA में जाना। सो मैंने सेकंड ऑप्शन देखा, तो वो था कनाडा। अब कनाडा मेरे लिए न्यू इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरी कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, मेरे मैक्सिमम जो है वो ऑस्ट्रेलिया और USA में है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ फैमिली में पहला बंदा हूँ जो कनाडा में जाके जाएगा। सो फिर मैंने कंट्री भी मुझे बहुत पसंद थी कनाडा पहले से, लेकिन पेरेंट्स तो काफी चिंता किए होंगे बहुत ज्यादा। उनको यही था कि कोई एक फैमिली मेंबर रहे तो तुम्हारे को हेल्प होगा। बट मेरा एक ही था कि कोई ना कोई कभी ना कभी पहला स्टेप तो लेता है। मैंने ले लिया, मेरे आगे मेरे कजन्स को इस चीज का फायदा होगा, और मेरे अगर करियर के अगर कुछ बेटर है तो फिर रिस्क लेना बनता है। अब मैं क्योंकि फाइनेंस में कनाडा में जाके मेरे लिए एक और डोर ओपन होता है USA का। ओके, कि अगर इन फ्यूचर 4 साल बाद 5 साल बाद मेरे को USA जाना है, सो इंडिया से उतना डिफिकल्ट पड़ सकता है। अगर मैं कनाडा से जाऊँ तो मेरे लिए थोड़ा इजी पड़ सकता है वो चीज़। सो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने कनाडा को एज अ कंट्री फाइनलाइज किया,
कुछ नॉलेज नहीं था वीजा का, बस इतना पता था कि एक आईलेट्स और जीमेट देना पड़ता है यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि हर जगह यही क्राइटेरिया में लिखा आता है। सो फिर मैंने रिसर्च किया कि मेरे सिटी में कौन सा आईलेट्स के इंस्टीट्यूट है, कहाँ मैं जा सकता हूँ, फिर इस तरीके से मैं कॉमेट में आया। अच्छा, आईलेट्स की बात आपने किया तो IELTS में भी काफ़ी स्टूडेंट हैं जो स्ट्रगल करते हैं, किसी के बैंड्स नहीं आते, किसी को टाइम नहीं मिलता, किसी और कोई तो कई लोग सोचते हैं कि काफ़ी इजी है। आपका क्या व्यू रहा IELTS के लेकर, क्या ये बहुत टफ है या बहुत इजी है, किस प्रकार का? सर मैं इसे एज अ मीडियम सेट करूँगा, बिकॉज इजी तो बिल्कुल नहीं है और टफ इतना भी नहीं है कि जितना लोग ऐसा माइंड में बना लेते हैं। हाँ, अगर आप कुछ भी नई चीजें कर रहे हो, आपको अब्रॉड जाना है, मतलब आपकी पूरी लाइफ चेंज होगी, तो उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं ऑफिस में 10 घंटा रह लूंगा, 8 घंटे की जॉब कर लूंगा, फिर 2 घंटे आईलेट्स करूंगा, पास हो जाऊंगा, तो ये नहीं हो पाएगा। टाइम तो आपको देना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा। और मेरे पर्टिकुलर केस में मेरा खुद का आईलेट्स एग्जाम बिकॉज ऑफ कोविड टाइम था, तो 6 बार पोस्टपोन हुआ था और मेरा खुद का मोरल पूरा डाउन हो गया था। बहुत अनसर्टेन सिचुएशन, बहुत अनसर्टेन था। लाइक मेरे को तो 4 दिन पहले पता चला कि मेरा डेट कंफर्म है। तो ऐसा कोई एक लो टाइम नहीं आया कि बस अब गिव अप कर दूं मैं अपने ड्रीम? आया था सर, जब 4th टाइम जब मेरा पोस्टपोन हो गया तो मैंने पढ़ाई पूरी छोड़ दी थी। ओके। और करीब मैंने 1.5 महीना बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, बिल्कुल मैंने बुक को भी नहीं छुआ था, क्योंकि मैं कंटिन्यू हो ही जा रहा था, हर 15 दिन के बाद डेट आती, वो भी पोस्टपोन। बट फिर ऐसे ही छोड़ दिया था और 4 दिन पहले मुझे पता चला कि मेरा इस बार का डेट कंफर्म हो गया। ओके। सो हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी, बट फिर मैंने अपना फुल डेडिकेशन से उसको कर ही दिया पार। ओके। सो ये जो पूरी जो जर्नी रही, मतलब जब आपने सोचा, फिर IELTS आपने दिया, और IELTS देने के बाद आपने जब रिजल्ट आया और ऑफर वगैरह ले, और ये वीजा तक की बात है, इसमें सबसे मुश्किल चीज इस एंटायर जर्नी में आपको क्या लगा? सर मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल अगर कुछ रहा था तो 2 टाइम था, पहला IELTS का एग्जाम एंड सेकंड वीजा की वेटिंग। क्योंकि होता क्या है, एक ऐसा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि क्या वीज़ा रिजेक्ट होगा या वीज़ा पास हो जाएगा, परमिट मिल जाएगा। सेम ऐसा IELTS एग्जाम में क्या रिजल्ट आएगा, कम कितनी प्रिपरेशन है, क्या इतने में हो पाएगा। एक ही प्रो टिप है कि बस अपने ऊपर बिलीव करो और कॉन्फिडेंस हर चीज़ करो, और ये सोच के चलो कि आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। बिकॉज जब एक बंदा बैकअप प्लान बनाता है तो वो पहले उसको लाइटली लेता है, और यूजुअली वो सेकंड प्लान पे ही लैंड अप करता है। एट द एंड वो सेकंड प्लान में ही लैंड करता है। अगर आपको जाना है अब्रॉड तो अपने लिए कोई बैकअप प्लान मत रखो, एक अलग ही बूस्ट मिलेगा। लोग हैं वो जनरली बोलते हैं अगर ये नहीं हुआ तो ये हो कर लेंगे, ऐसा कुछ रहता है। मेरी मेंटालिटी थोड़ी अलग है, डू एंड डाई वाला सिचुएशन, बस मैंने अपने लिए वो सिचुएशन बनाई कि करना ही करना है। अगर मैं बैकअप प्लान रखता कि चलो भाई इंडिया के कॉलेज में यहाँ एडमिशन हो जाएगा, तो मैं IELTS को भी लाइटली लेता और आगे के सारे प्रोसेस को लाइटली लेता हूँ। तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डू और डाई वाला सिचुएशन पूरा क्रिएट कर लिया था अपने लिए, और फिर किस्मत ने भी थोड़ा सा, लक ने भी साथ दिया कई कई जगह पे, बट मैक्सिमम टाइम मेरा कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क ही चलती है। तो बहुत सारे और भी कंट्री रहे होंगे आपके कंसिडरेशन में बिफोर फाइनलाइजिंग कनाडा, तो जैसे कि आपने बताया एक तो है कि कनाडा कैन बी कंसीडर आपके बैंकिंग्स वगैरह के सेक्टर्स के लिए, आपने काफ़ी लुक्रेटिव हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा क्या फैक्टर मिला कनाडा और जो UCW कॉलेज जो है आपने जो चूज़ किया है, क्या एडवांटेजेस देखे जिसकी वजह से आपने इसको फाइनलाइज किया? सर पहले मैंने कंट्री जब फाइनलाइज करी कनाडा, तो मेरे को ऐसा था कि कनाडा में घुसते मेरे लिए 2 कंट्री हो जाएगी ऑप्शन, USA कनाडा। सो अब कनाडा में मेरे को सिटी मेन होता है कि आप किस सिटी में जा रहे हो, आपके लिए कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगी, और उस सिटी में सबसे मेजरली बहुत पॉपुलर है वो टोरंटो और वैंकूवर है। सो फिर मैंने वो सोचा कि मैं यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि मेरे को मास्टर करना है, और बेसिकली कनाडा में होता है कि कुछ प्रोविंस को सिर्फ डिप्लोमा कोर्स के लिए रख दिया गया है और कुछ के लिए मास्टर्स के लिए रख दिया है। यूजुअली अगर आप ऑन्टेरियो जाएंगे तो वहाँ मैक्सिमम कॉलेजेस मिलेंगे, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे, बट वैंकूवर में बहुत सारे ऑप्शन थे यूनिवर्सिटीज़ के। एंड UCW को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि उनका जो जो उनका प्लान है, जिस तरीके से वो पढ़ाने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, इनोवेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल Amazon हुआ, उनके फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं बेसिकली सर्वर एंड ऑल, तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा कि बहुत इम्प्रूव्ड एजुकेशन सिस्टम लगा मुझे इस यूनिवर्सिटी का, तो इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट किया। एंड सेकेंडली वो एक डाउनटाउन में है, सो अगर मैं डेली डाउनटाउन जा रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस वहीं पर है, तो मेरा कनेक्शन बिल्ड होगा कनाडा में। बेसिकली बिना रेफरेंस के आपके कहीं काम नहीं होता है, तो रेफरेंस मेरे बनेंगे मेजरली डाउनटाउन में, जहाँ मैक्सिमम ऑफिसेस है।
सो मैंने उस फ्यूचर को ध्यान रखते हुए UCW लिया कि जब मेरे सीनियर्स होंगे मेरे साथ वो ऑब्वियसली कोई ना कोई कंपनी में काम कर रहे होंगे सो मेरा उनके साथ कनेक्शन होगा और वो एज अ रेफरेंस मेरे लिए बहुत ईजी होगी जॉब लेना। अपने वीजा प्रोसेस के बारे में बताइए, मतलब क्या एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो ऑफर तो कोईयों का आ जाता है जी, बट सबसे क्रिटिकल होता है वीजा, क्योंकि वीजा जाना लगना और ये मतलब एक लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ऊपर से वो होता ऐसे लास्ट मोमेंट में है कि अगर वो नेगेटिव आ जाता है रिजल्ट तो आपकी पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है, पूरी जितनी एफर्ट आपने लगाया वो बिल्कुल फ्रूटलेस हो जाती है। आप अपना वीजा एक्सपीरियंस बताइए। सर पहले तो मुझे जैसे ऑफर लेटर आया मैंने फीस पे करी और मुझे LOA आया, तो अब जब अपन को वीजा अप्लाई करना है सबसे पहले LOA चाहिए। LOA होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कि आपने फीस पे कर दी और आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया जिसके थ्रू आप वीजा फाइलिंग कर सकते हो। बट इसके पहले भी बहुत सारे प्रोसेस है जो हिडन होते हैं, जैसा कि होता है मेडिकल एग्जाम। नाउअडेज इंडिया में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है अब्रॉड का, सो मेडिकल अपॉइंटमेंट आपको दो दो महीना तीन तीन महीने की वेटिंग पीरियड है जो कि आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, तीन महीना खाली मेडिकल के लिए रुकना। तो इस फैक्टर में थोड़ा सा लक काम आता है। जैसे मेरे केस का अगर पर्सनली बताओ सो मेरे में दो महीने की वेटिंग पीरियड थी, मैं लगा हुआ हूँ और कहीं एक जगह किसी बंदे ने कैंसिल कराया था हैदराबाद में, सो मैंने वो जो उसका कैंसिल जो मेरे पास स्लॉट था मैंने उसको रिजर्व कर लिया। ऑल ऑफ अ सडन सिर्फ दो मिनट का टाइम लगा, तीन स्लॉट थी उसमें से एक मेरे को मिली और ऑन द स्पॉट एक मिनट के अंदर पूरे स्लॉट बिक गई। तो आपको समझ में आ जाता है कि कितना हाइप है उस चीज का। सो पहले आपको मेडिकल कराना होता है, देन जब वंस यू रिसीव योर LOA सो आपको GIC कराना होता है। ये सबसे बड़ी हिडन चीज है कि GIC के बारे में कईयों को नॉलेज नहीं होता है, कईयों को होता भी है। तो GIC बेसिकली होता है कि आप $10,000 कैनेडियन गवर्नमेंट बैंक में जमा कराते हो जो आपके लेवलीहुड और आपके लिए एक बैकअप प्लान यहाँ पर काम आता है एज अ बैकअप प्लान। सो वो चीज कराना होता है, उसमें भी करीब करीब 10 दिन लग जाते हैं। सो आपको टाइम लेके चलना है और पूरा प्लान करके चलना होता है। तो सबसे पहले आपको हुआ मेडिकल, देन आपका LOA आया, देन आपने GIC कराई। एक बार आपने GIC कराई देन आप वीजा के लिए फाइलिंग करोगे और उसके बाद का प्रोसेस कुछ इस तरह है कि आपको बायोमेट्रिक्स कराना होता है और फिर वेट करना होता है। और वो जो वेटिंग पीरियड है 90 डेज का वो सबसे क्रूशियल होता है, बिकॉज एवरी मॉर्निंग आपके दिमाग में कुछ नए थॉट्स आएंगे कि भाई रिजेक्ट काफी नेगेटिविटीज और बहुत नेगेटिविटी आती है। तो उस चीज में तो यही बेस्ट है, जैसे आपने कहा कि आपके पास प्लान बी भी नहीं है, बिल्कुल मतलब कहीं और जा भी नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता था। अगर मेरा वीजा बाय एनी चांस रिजेक्ट होता यहाँ पर तो मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, या तो मैं वापस से अप्लाई करता या मैं पूरा प्लान ड्रॉप करके कुछ एकदम ही नया बिजनेस लाइन में जाता, क्योंकि मतलब एजुकेशन भी छूट सकता था, मैंने एकदम उस सिचुएशन में आ चुका था मैं। पर होपफुली मेरा वीजा आ गया। एक बार जब आपका PPR आता है, PPR बेसिकली पासपोर्ट रिक्वेस्ट होता है, सो आपको पासपोर्ट भेजना होता है, फिर आप पासपोर्ट जब आपका स्टैम्पिंग होता है आता है तो लगता है कि हाँ भैया अब जाना है। एक यहाँ पर एक बहुत ही ट्रिकी है जो कोई नहीं बताता, वो होता है लाइक आपकी एयर टिकट। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मेरे खुद के एक फ्रेंड ने क्या किया, उसके वीजा आने के पहले उसने एयर टिकट करा ली। सो उसकी एयर टिकट करीब 1.2 लाख की हुई थी एंड वीजा हो गया उसका रिजेक्ट, तो उसको एकदम अर्जेंटली कैंसिल कराना पड़ा, तो उसमें उसके 25,000 घुस गए। सो वो एडिशनल खर्चा हो गया, एक एक रुपये मायने रखते हैं जब आप अब्रॉड जाते हो। सो ये है कि जब आपका वीजा आए तभी एक स्टूडेंट को एयर टिकट कराना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पहले से करा देते हैं बाद में पछताते हैं। सो ये चीज तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, इन लोगों का क्या रिएक्शन है? पेरेंट्स का क्या है, क्या पेरेंट्स का तो एकदम रेडी हैं आपको छोड़ने के लिए दूर? आप इससे पहले घर से बाहर रहे हो आप? जी नहीं, मैं आज तक नहीं रहा। फर्स्ट टाइम में भी? फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, हमेशा से अपनी सिटी में रहा हूँ, फैमिली के साथ रहा हूँ। बड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए भी, क्योंकि शुरुआत में तो जो जो उसमें हो गया कि आईलेट्स का एग्जाम देने तक भी ये होश नहीं था कि फैमिली छोड़ के जाऊंगा क्या फीलिंग होगी। बट जब अब एग्जाम हो गया, ऑफर लेटर आ गया, वीजा आ गया, अब ऐसा लगता है कि डिसीजन थोड़ा सा, और जैसे जैसे डेट पास आ रहा है, जैसे जैसे डेट पास आ रहा है एकदम, मेरा एक ही महीना बचा है मेरा जाने के लिए, और वो एक महीना में ऐसा लगता है कि बस एक ही महीना है फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय करना। हाँ, बट अगर आपका करियर बनाना है, आपको अपना फ्यूचर सेट करना है, तो फिर कुछ टफ डिसीजन तो लेने पड़ेंगे। सही बात है। सो फैमिली का कितना मोटिवेशन रहा इस पूरे प्रोसेस पे? फैमिली ने फुल सपोर्ट दिया मुझे। बाय द लाइक फर्स्ट स्टेप जो था मेरा उनसे पूछना क्या मैं जाऊँ क्या करूँ, तब से लेके आखिरी तक उनका फुल सपोर्ट रहा है। इवन अभी भी
एवरी मॉर्निंग में से डिस्कस करते हैं कि क्या है तेरा, कितना और कुछ प्रोसेस बचा है, इंश्योरेंस लेना है क्या है, जो भी सेवर होते हैं. तो उस चीज़ में मेरे को फुल सपोर्ट मिला है. मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल भी मेरे को डीमोटिवेट किसी भी स्टेप में नहीं किया, फुल सपोर्ट था उनका. सही बात है. मतलब देखिए, हम तो अपनी मेहनत करते ही हैं, लेकिन फ्रेंड्स फैमिली इनका मोटिवेशन भी उतना ही जरूरी होता है. तो आगे का क्या प्लान है निखिल? कनाडा में मतलब पढ़ाई तो होगी ही, पढ़ाई के बाद घूमना फिरना ये सब? क्योंकि एज अ पर्सन मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ ट्रैवल करना. ओके. सो जब भी मौका मिलेगा मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा कहीं दूसरी जगह घूमना. और मेरे ख्याल से घूमना भी चाहिए लाइफ. ऑब्वियसली बात है, आई मीन पढ़ाई तो एक पार्ट है ही लाइफ का. हम अब्रॉड जाते हैं तो फन है, घूमना है, ये सब चीज़ तो होता है. तो ऑल द बेस्ट निखिल. थैंक यू. एंड सो थैंक यू निखिल फॉर कमिंग ओवर हियर. सो अगर आपके माइंड पर अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस स्टिल रह गए हैं जिसको निखिल ने या इस कॉन्वर्जेशन में अनआंसर्ड रह गया होगा, तो मैं निखिल का इंस्टाग्राम हैंडल आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको डीएम करके पूछ सकते हैं. आप हमारे चैनल में भी काफ़ी कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मैटर को रिलेटेड. और अगर ये वीडियो और इंट्रैक्शन पसंद आए तो निखिल आप हमारे व्यूअर्स को बोल दीजिए. इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना मत भूलना और फैला देना इस चैनल फुल फैला दो एकदम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू निखिल फॉर कमिंग ओवर हियर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर.